मैं दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल की पूरी टीम के साथ बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कसैया पट्टी डॉक्टर इंतखाब आलम साहब के निवास पर मौजूद हूं। यहां पर तमाम लोग बाहर इंतज़ार भी कर रहे हैं, लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया भी दिया है। आइए हम लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर इंतखाब आलम साहब, जिनका पूरे इलाके में धूम और चर्चा चल रहा है, ये अपने सामाजिक काम की बुनियाद पर भी जाने जाते हैं, आइए हम उनके ज़बानी ये जानना चाहते हैं कि लोग का जो भरोसा और विश्वास है, लोग जो इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब एमएलए बनकर आएंगे तो लोगों के लिए, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए भलाई, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा का अच्छा काम होगा, आइए उनकी ज़बान से जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने खाकर तैयार कर रखा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, यहाँ का सेवापट्टी बाजपट्टी में हूँ, पैसे से डॉक्टर दरभंगा सिटी हॉस्पिटल में मार्च करता हूँ। यहाँ जो बाजपट्टी जो है, बाजपट्टी अभी विकास से बहुत शुद्ध, यहाँ जो है बेरोजगारी की समस्या है, सड़कें जो है जर्जर स्थिति में है, अस्पताल की कमी, अच्छे अस्पताल की कमी है, स्कूल की कमी है, कॉलेज की कमी है, यहाँ पर ना तो कोई लघु उद्योग है, जो यहाँ पर हमेशा बाढ़ की समस्या रहती है, तो इन सब चीज़ों को लेके हम यहाँ पर आए हैं कि अगर जनता हमको मौका देती है तो यहाँ पर एक अच्छा सा, सबसे पहले तो मैं चिकित्सक हूँ तो मेरा सबसे पहले स्वास्थ्य पर ही ध्यान जाएगा, तो यहाँ पर एक अच्छा सा अस्पताल हो, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो ताकि पेशेंट बीमार पड़े तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, और एक अच्छा सा कोई एजुकेशन वाला भी स्कूल हो, और यहाँ पर लघु उद्योग जो है, लघु उद्योग कायम करने में हमारी प्राथमिकता होगी ताकि जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल सके, जो पलायन करते हैं दिल्ली पंजाब वो रुक सके, जो बाढ़ की समस्या यहाँ रहती है उसके लिए एक जो परमानेंट उपाय है, जैसे डैम बना के उससे कुछ समस्या का हल निकालना पड़ेगा ताकि जो किसानों की फसल की क्षति हो जाती है वो सब रुक सके। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता की एक शिकायत है, वो ये है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि एमएलए बनने के बाद यहाँ का कैंडिडेट, यहाँ का उम्मीदवार, जिनको लोग भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, लेकिन उनका भरोसा टूट जाता है। क्या लोगों को कैसे यकीन आप दिला सकते हैं कि आप यहीं पर रहेंगे? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप दरभंगा ही में रहते हैं, आप यहाँ बहुत कम आते हैं। यहाँ पर जो भी है जनता के सारे सुख दुख में मैं हमेशा शरीक रहा हूँ और हमेशा ये रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कभी भी किसी न इलेक्शन लड़ा न ये लड़ा, ना कभी हमको किसी जनता से ये ना उम्मीद कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तुमको वोट की ज़रूरत हो, ये हो, लेकिन उसके बावजूद हमेशा सुख दुख में शरीक रहा, चाहे वो ठंडा का टाइम हो, मैंने हर पंचायत में अपने निजी फंड का वितरण किया, जो कोरोना के टाइम में जो आए हुए थे हमारे जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए थे, भुखमरी के शिकार थे, हमारा जितना भी हो सका निजी फंड है हमने उस सब लोगों की मदद किया, हमेशा हर सुख दुख में हम यहाँ पर उनके साथ रहते हैं। तो ये जो है जो हमारे विरोधी हैं वो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, डरे हुए हैं वो लोग, है ना, सभी लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। इस वक्त जो है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपकी टक्कर भी किसी से है? किसी से टक्कर नहीं है, बाकी जो लड़ रहे हैं सब दूसरे तीसरे चौथे नंबर की जगह, मैं ईवीएम में भी एक नंबर पर हूँ और इंशाल्लाह एक नंबर पर ही रहूँगा। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार हैं और लोग अपने अपने जीत का दावेदारी पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जीतेंगे, क्या यहाँ की कुछ ऐसी स्थिति है जैसे यहाँ पर सड़कें खराब है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र अच्छा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, आखिर ये जो तमाम बीमारियाँ हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, इनकी सर्जरी किस रूप में आप करना चाहेंगे? यहाँ पर जो भी है जो डेवलपमेंट का काम जो एकदम रुका हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो वो उसको प्राथमिकता में देखे जो डेवलपमेंट का काम किया जाएगा ताकि जो हमारे बाजपट्टी का नाम जो है अपने बिहार में रोशन हो। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप जीतने के बाद कोई ऐसा सौगात सोच रखा है जो यहाँ की जनता को मिलेगा?
मैं एक अच्छा सा अस्पताल दूंगा, एक अच्छा सा स्कूल दूंगा, हर पंचायत में एम्बुलेंस की फैसिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे लिए। दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल के साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर इंतखाब आलम साहब का धन्यवाद, शुक्रिया।